नमस्कार, मैं हूँ कविता राणा। 2019 चुनाव को लेकर मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं और ऐसे में पार्टी के अध्यक्ष कहे जाने वाले अमित शाह संपर्क फॉर समर्थन के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं ताकि मोदी रथ को कोई छू भी ना सके। लेकिन कांग्रेस नेता संजय निरुपम शाह के इस प्लान को चौपट करने पर तुले हुए हैं, वो कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। 2019 चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। मोदी की आंधी को रोकने के लिए समूचा विपक्ष एकजुट हो गया है। मोदी सरकार की राहों को आसान बनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने एक नई कैंपेन की शुरुआत की है जिसका नाम है सहयोग के लिए संपर्क। इस कैंपेन के तहत अमित शाह व्यक्तिगत तौर पर देश के 50 प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे और उनसे मोदी सरकार के 4 सालों का गुणगान करेंगे, जिसकी शुरुआत अमित शाह ने उद्योगपति रतन टाटा और धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित से कर डाली है। लेकिन शाह के इस प्लान पर पानी फेरने के लिए कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक नई तिगड़म भिड़ाई है। उन्होंने रतन टाटा और माधुरी दीक्षित दोनों को चिट्ठी लिख मोदी सरकार की 4 साल की खामियों से रूबरू कराया है। तस्वीरों में हम आपको जो चिट्ठी दिखा रहे हैं वो खुद संजय निरुपम ने ट्वीट की है, जो उन्होंने माधुरी और रतन टाटा को लिखी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमित शाह व्यक्तिगत तौर पर बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलकर सरकार की सफलताएं गिना रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस उन्हें मोदी सरकार की कमियों का पुलिंदा पकड़वा रही है। एक तरफ अमित शाह पार्टी की उपलब्धियां गिना रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस कमियों का पुलिंदा बनाकर सामने ला रही है। ऐसे में देश की जनता किस पर विश्वास करेगी, ये तो 2019 के नतीजे ही साफ कर पाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।